हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल। आई नो शाम का समय, सब रिलैक्स मोड पे रहेंगे, बट आप लोग रिवीजन देख रहे हो। बेस्ट विशेस, इट्स अ गुड साइन। अगर आप देख रहे हो तो आप मतलब पढ़ना चाह रहे हो, दैट इज वेरी क्लियर। तो हमने कल वाले सेशन में, डे वन में, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का इंट्रोडक्शन देखा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हमने बेसिकली देखा कि कौन से गुड्स इन्वॉल्व है। ठीक है ना बात? सेल बेलमेंट अलग अलग होता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर अलग होता है, सेल हायर परचेस अलग होता है। हमने ये भी देखा कि पोजेशन ओनरशिप में ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बात? हमने सिमिलरली देखा कि ये एक्ट कब आया, 1 जुलाई 1930, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम गुड्स पे बात करेंगे। ठीक है ना बात? आप कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ कुछ चीज़ें अगर पूछनी है स्टिल है। ठीक है ना बात? आई विल बी रिवर्टिंग आफ्टर द सेशन, बट आप कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ गुड्स जो है, ये गुड्स का मीनिंग क्या है? गुड्स में तीन चीजें हैं बेटा, समझना मेरी बात। सबसे पहले गुड्स मीन्स व्हाट, गुड्स डज नॉट इंक्लूड एंड गुड्स इंक्लूड। गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स में क्या नहीं आएगा और गुड्स में क्या आएगा। गुड्स मीन्स सिंपल एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने कल बोला था डज नॉट इंक्लूड मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, शेयर्स भी गुड्स है, मूवेबल माना गया, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू लैंड। राइटिंग इग्नोर करना, थिंग्स अटैच टू लैंड। रिपीट कर रहा मैं, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो। मैंने आपको जैसे कल बोला था चेयर, बेंचेस, एसी, वॉच, पेन, मोबाइल, ये सारी चीजें मूवेबल है, एयर, वाटर। ठीक है ना बात? बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड विच आर एग्री टू बी सीवियर्ड। हम उसको अलग लैंड से अलग करके हम बेचेंगे, दैट इज गुड्स। करेक्ट है बात? लाइक हम ऑनियंस है, वो लैंड में हम निकाल कर उसको सेल करेंगे, कट करके, ट्रीज कट करके सेल करेंगे, तो दैट इज मूवेबल गुड्स। ठीक है ना बात? एनीथिंग विच इज अटैच टू लैंड एंड एग्री टू बी सीवियर्ड। तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि क्या इंक्लूड नहीं होता है, मनी, एक्शनेबल क्लेम, सर्विसेज है यहाँ पे नहीं है, सर्विसेज की कोई भी बात नहीं हुई। उसके बाद मॉर्गेज प्लेज भी कवर्ड नहीं है, बेलमेंट भी कवर्ड नहीं है, समझ में आया मेरी बात? बट ओल्ड कॉइन्स रेयर कलेक्शन, ओल्ड कॉइन्स रेयर एंटीक कलेक्शन, अरे जो अभी 1,000 रुपये की नोट बंद हो गए, ये 20 साल बाद एंटीक कलेक्शन हो जाएगा, 30 साल बाद एंटीक कलेक्शन, ऐसे नोट देखने नहीं मिलेंगे। तो वो जो है लोग उसके उसके लिए एज अ हॉबी कोई कलेक्ट करता रहेगा, या कोई कुछ ऐसे ही एज ए निशानी कोई रखता रहेगा, उसकी कीमत बहुत ऊपर होगी। सपोज एग्जाम्पल है कि अगर मैं 50 साल पुराने जो, या ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो करेंसी थी, आज भी कोई संभाल के रख रहा है, तो वो आज कई सालों से एंटीक कलेक्शन, रेयर कलेक्शन है, वो गुड्स है। बट अदरवाइज जो आज करंट मनी जो हम हाथ में यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड्स, दैट इज नॉट गुड्स। इज इट वेरी क्लियर? तो देखो देखो, अपने तीन पार्ट में डिवाइड करना है। वहां लिखना है मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड मनी एंड एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर, थिंग्स अटैच टू लैंड विच इज एग्रीड टू बी सीवियर। कमेंट्स आ रहे हैं मुझे सेट्स में। ठीक है ना बात? अब और एक चीज समझना, ये अगर आप ये बाद में पॉज करके भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं है, यहां देखना। सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, तीन टाइप है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर
गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स में तीन टाइप है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स एंड अनअसर्टेन्ड गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। सिमिलरली स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन। जो भी गुड्स सेलर के पास अवेलेबल है, मैन्युफैक्चर हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है, कल्टीवेट हो चुका है, गोडाउन में रखा हुआ है, अवेलेबल फॉर सेल है, सेलर के कस्टडी में, एग्जिस्टिंग गुड्स। जो अवेलेबल होगा ट्रांसपोर्ट में है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, करेक्ट बात, वो होगा फ्यूचर गुड्स। जो अवेलेबल है एग्जिस्टिंग, जो अवेलेबल होगा फ्यूचर गुड्स। जैसे आप, जैसे बहुत लोग का ये बुलेट बाइक्स का बहुत क्रेज है, 550 cc वगैरह, अभी तो शायद बंद भी हो गया, 350 cc जो भी होगा, तो फाइव थंडरबर्ड वगैरह एक्सेट्रा, आज उसका वेटिंग है, आज बुक करने गए तो 6 महीने बाद मिलेगा। सेलर बोलता है सर है नहीं अभी, बट मैन्युफैक्चर होगा तो आपको हम बुकिंग के हिसाब से दे देंगे, फ्यूचर गुड्स। बट वही बुलेट, अगर जो बाइक है वो शोरूम में अवेलेबल है, वो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग गुड्स, सिंपल बात। और कॉन्टिंजेंट गुड्स जो है वो लगभग फ्यूचर गुड्स से सिमिलर है। कॉन्टिंजेंट गुड्स इज ऑलमोस्ट फ्यूचर गुड्स, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन और क्राइटेरिया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन और क्राइटेरिया। सब मतलब क्या, एग्जाम्पल है कि मैं अगर कुछ गुड्स इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना बात, मैं आईफोन इम्पोर्ट कर रहा हूँ, आपने मेरे पास आया बोले आईफोन, मैं बोला देखो मिलेगा जो नया वाला आईफोन लॉन्च हुआ, जो भी रहेगा ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो शिप रीच हो जाए, शिप आ जाए तो दूंगा, नहीं तो नहीं, आया तो दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा, दैट इज कॉन्टिंजेंट गुड्स, दैट इज कॉन्टिंजेंट गुड्स। सब मतलब क्या, मैं, मेरे पास आईफोन नहीं है बट मैं दूंगा, अब वो नहीं भी आए शिप में और कहीं से अरेंज करके दूंगा, फ्यूचर गुड्स। शिप आया तो ही दूंगा, कॉन्टिंजेंट गुड्स। कौन सा गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। तो ये हो गया आपका, देखो तीन टाइप, एग्जिस्टिंग ठीक है, फ्यूचर एंड बेसिकली कॉन्टिंजेंट। जो अवेलेबल है सेलर के पास ये होगा एग्जिस्टिंग, जो अवेलेबल होगा दैट इज फ्यूचर, जो अवेलेबल होगा सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया एंड कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट गुड्स। अब बहुत बार क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर कुछ चाहिए, जैसे अभी एग्जाम्पल है कि हमें एक स्क्रिप्ट करना था, तो स्क्रिप्ट में सपोज एग्जाम्पल आज रामायण चल रहा, तो रामायण के क्लोथ चाहिए पूरे, तो हम गए क्लोथ वाले के पास, बोले देखो सर अवेलेबल नहीं है बट हम बनवा के दे सकते हैं, बोला पक्का ना, हाँ बोले पक्का डन, बोला कितना खर्चा, बोले सर पूरा रामायण का जितना क्लोथ्स है 50,000, बोला ओके 10,000 एडवांस मुझे 1 महीने में बनवा के दो, फ्यूचर गुड्स। एक शोरूम में गए वहां पर ऑलरेडी उनके पास रेडी था, मैंने बोला रामायण के पूरे गुड्स है, फ्यूचर गुड्स नहीं, अब ये आएगा एग्जिस्टिंग गुड्स। और एक शोरूम में गया देखो, बोले सर हम बना के दे सकते हैं सब्जेक्ट टू मटेरियल अवेलेबल मार्केट में, अगर मटेरियल मिल गया तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, कॉन्टिंजेंट गुड्स। अब हम आते हैं एग्जिस्टिंग के तीन टाइप, स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन। स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन। जो गुड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई एट और, होल्ड करो समझते हैं, आइडेंटिफाइड बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइड बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बायर गया, बोला कि मुझे रेड शर्ट दिखाई है, रेड कलर में जो पैटर्न ऑफ शर्ट से दिखाई, सेलर ने 10 टाइप के शर्ट्स दिखा दिए, वो सारे 10 के 10 उसके पास अवेलेबल है एग्जिस्टिंग। अब वो 10 शर्ट में से एक पैटर्न वेलवेट शर्ट पसंद आया एग्जाम्पल, तो वो बायर बोला यही चाहिए बाकी नहीं चाहिए, वो यही चाहिए, वो यही को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, समझे मेरी बात। तो विच इज आइडेंटिफाइड
जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, बायर सेलर डील कर रहे उससे पहले ही या उससे पहले, समझ में आ रहा मेरी बात? तो ये हो गया कौन सा, स्पेसिफिक गुड्स। बट अगर एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर समझना, सर्टन लाइक एग्जाम्पल है कि मेरे गोडाउन में 200 बैग बासमती राइस रखे हुए, 200 बैग्स, सब एक ही क्वालिटी के, एक ही पैटर्न के। आपने बोला कि सर जो लास्ट टाइम बासमती दिया था उसका 10 बैग डील कर दो। मैं बोला ओके, गोडाउन से आप सिलेक्ट कर लो कौन सा चाहिए। बोले नहीं नहीं आप एडवांस ले लो, आप भेज दो, आप बढ़िया भेजोगे। तो अभी ये जो 200 बैग जो है, इसमें से 10 बैग मैंने आपके नाम पर बाजू में निकाल के रखा कि ये माल उधर जाएगा। तो आइडेंटिफाई कब हुए, कॉन्ट्रैक्ट के समय या कॉन्ट्रैक्ट के बाद? कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो ये होगा असर्टन गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट से पहले पहचान हो गई गुड्स की, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद हुई है असर्टन गुड्स। समझना मेरी बात। देखो और एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल की तौर पर कि सब एग्जाम्पल है कि वॉट एवर में भी आप एक किराना स्टोर गए, किराना स्टोर में आपने बोला कि मुझे रेड लेबल टी चाहिए, या आपने बोला कि मुझे बेसिकली यू नो टी चाहिए। अब आपने सबको बोला कि मसाला टी चाहिए, अब मसाला टी के 50 पैकेट उधर रखे हुए, शॉपकीपर ने क्या किया, एक पैकेट बाद में आपके घर पे भेजा। अब आपको नहीं मालूम था कि वो 50 पैकेट में से कौन सा पैकेट आपके पास आएगा बाद में। आप पैसे दे के चले गए, शॉपकीपर ने आपके होम डिलीवरी देनी थी, वो होम डिलीवरी में उसने आपके पास एक पैकेट सेंड किया, दैट इज असर्टन। तो आइडेंटिफिकेशन कब हुआ, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, और पहले हुआ तो स्पेसिफिक गुड्स। तो असर्टन गुड्स क्या होता है, आइडेंटिफाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आइडेंटिफाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सिंपल बात है। और अनअसर्टन मतलब नॉट आइडेंटिफाइड, सिलेक्ट ही नहीं हुए, नॉट आइडेंटिफाइड। सो मतलब 10 रेड शर्ट्स आपने वो लाके रखता है सामने, तो 10 की 10 अब तक सिलेक्ट नहीं हुए, तो 10 की 10 अनअसर्टन, उसमें से एक सिलेक्ट किया तो वो स्पेसिफिक बन गया, बाकी 9 जो शर्ट्स थे वो आइडेंटिफाई नहीं हुए, वो हो गए अनअसर्टन। वो क्या हो गए, अनअसर्टन। अरे सिंपल है, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल की तौर पे मैं एक बुटीक गया एंड दैट बुटीक पर्सन, मैंने उसको बोला मुझे एक बढ़िया ब्लेजर चाहिए, उसके पास ब्लेजर रेडीमेड भी है और वो ब्लेजर्स बनाता भी है। मैंने बोला कि मुझे ना ब्लू कलर ये पर्टिकुलर ऐसा चाहिए, तो बोला हाँ सर ब्लू कलर में बहुत सारे ब्लेजर्स हैं। मैंने बोला आप बताओ कौन सा बढ़िया है, मैं पैसा दे के जाता हूँ, आप जो दोगे वो फाइनल है। अब मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, सेलर ने बाद में एक ब्लेजर मेरे नाम से बोला ये बढ़िया है ये रख दो, तो वो हो गया असर्टन, बाकी ब्लेजर्स क्या हो गए, अनअसर्टन। समझे मेरी बात? बट मैंने जाकर सिलेक्टिंग किया, 10 ब्लेजर रखे ब्लू वाले, मैंने पर्टिकुलर ब्लेजर ट्राई किया, फिटिंग देखा और मैंने बोला यही ब्लेजर मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक गुड्स। कौन सा गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स। कंक्लूजन, गुड्स के टाइप्स, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स विच इज बेसिकली अवेलेबल विद द सेलर, सेलर के पास अवेलेबल है। फ्यूचर जो अवेलेबल होगा, कॉन्टिजेंट अवेलेबल होगा सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन इवेंट। उसके बाद एग्जिस्टिंग गुड्स के तीन टाइप है, पहला स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन। देखो सिंपल है, एक जोकिंग फॉर्म में अगर बोलूँ मैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, आप जब शादी करोगे तो आप स्पेसिफिक कि मुझे इससे ही शादी करनी, ऐसा आज का ट्रेंड, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। ठीक है ना बात? आपके पास 10 बायोडेटाज है, 10 के 10 अनअसर्टन, डोंट टेक इट अदरवाइज बट ऑटो ह्यूमर। ठीक है ना बात? 10 के 10 अनअसर्टन, उसमें से आपने पेरेंट्स को बोला कि आपको जो सही लगता है उसे करा दो, पेरेंट्स ने बोला ठीक है बेटा इससे शादी कर, तो वो हो गया असर्टन, बाकी 9 बायोडेटाज अनअसर्टन। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ गुड्स, खत्म। ठीक है ना बात? गुड्स का डेफिनेशन देखा, टाइप्स ऑफ गुड्स देखा, अब प्राइस जो है, ये गुड्स का प्राइस इन्वॉल्व है, प्राइस 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 मींस मनी कंसिडरेशन, इन रिटर्न मनी चेक, कंसिडरेशन कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मनी कंसिडरेशन, इन रिटर्न आई वॉन्ट मनी। तो इन शॉर्ट तीन चीज है,
गुड्स देकर गुड्स लेना, जो आप बाटा सिस्टम बोलते हैं, प्योर बाटा सिस्टम, प्योर बाटर, गुड्स देकर मनी लेना और गुड्स देकर थोड़े मनी, थोड़ा मनी और थोड़ा गुड्स लेना, हाइब्रिड। मैंने आपको कार दिया और कार की जगह पर आपसे मैंने आपका, या मैंने आपको टू व्हीलर दिया और टू व्हीलर देकर मैंने आपका लैपटॉप मोबाइल लिया, प्योर बार्टर सिस्टम। मैंने आपका टू व्हीलर, सॉरी, मैंने आपको टू व्हीलर दिया, ठीक है ना, एंड मैंने इन रिटर्न एक बढ़िया हैवी लैपटॉप प्लस मोबाइल फोन ले लिया, प्योर बार्टर सिस्टम। मैंने आपको लैपटॉप दिया और लैपटॉप की जगह और मैंने 70,000 कैश ले लिया। मैंने आपको लैपटॉप दिया, मैंने आपसे 50,000 कैश और मैंने आपको 20,000 का मोबाइल लिया। रिपीट कर रहा हूँ, लैपटॉप दे के टू व्हीलर लिया, लैपटॉप दे के कैश लिया, लैपटॉप दे के थोड़ा कैश और एक मोबाइल फोन ले लिया हैवी वाला, लैपटॉप दे के टू व्हीलर, प्योर बार्टर सिस्टम। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसका कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएगा। बट लैपटॉप देकर कैश लिया, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा, और लैपटॉप देकर मैंने कैश प्लस मोबाइल फोन लिया, थोड़ा कैश थोड़ा मोबाइल फोन लिया, ये इम्प्योर बार्टर सिस्टम, या ये पार्टली गुड्स पार्टली मनी है, तो ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। मनी होना चाहिए, थोड़ा तो पैसा होना चाहिए, कितना वो जरूरी नहीं है, अगर थोड़ा भी पैसा इन्वॉल्व है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आओ, अगर बार्टर सिस्टम है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आना है आपने। समझ आया मेरी बात? तो ये देखना आपने, प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन, अगर मैं बोल रहा हूँ गुड्स देकर गुड्स, गुड्स देकर मनी और गुड्स देकर मनी और गुड्स एंड गुड्स, उस केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। तो देखो, पहली बात, गुड्स होना चाहिए, बायर सेलर होना चाहिए, उन बायर सेलर में गुड्स की जगह पर देकर क्या होना चाहिए, बेसिकली प्राइस, प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन, और उस गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? ओनरशिप। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एसेंशियल एलिमेंट्स, देखो वी आर इन रिविजन, मुझे आपसे वो कमेंटिंग में रिप्लाई देने से बेटर मैं पढ़ाऊँ आपको, आपकी रिप्लाईज में देखूंगा, ठीक है ना बात। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहला एलिमेंट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दैट इज बायर एंड सेलर। जो बच्चे देख रहे हैं अगर वो लिखते जाए पैरेलली, बहुत बढ़िया, ठीक है, बीच में आप कमेंट कर सकते हो। बायर सेलर, दूसरा, द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स, देयर मस्ट बी अ प्राइस एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, एंड सेम वे अदर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस। दो पार्टी होनी चाहिए, बायर सेलर, उनके बीच में सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स, गुड्स देकर प्राइस चाहिए, ओनरशिप जाना चाहिए गुड्स का, और अदर एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस फ्री कंसेंट, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखना है, ठीक है ना बात। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले तीन चीज कवर की है, गुड्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ गुड्स मैंने खत्म किया, प्राइस का मतलब खत्म किया, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, अदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म किया। गुड्स क्या है बेटा? इट मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स, डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर। टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स, विच इज अवेलेबल विद द सेलर, एग्जिस्टिंग गुड्स, which will be available future goods and which will be available subject to event condition contingent goods। existing goods में तीन type है, specific goods, uncertain goods, uncertain goods, which is identified at the time of contract, जब आप पहले ही goods को select करके रखते हो, that is specific, जो आप बाद में select होता है uncertain, जो select ही नहीं होता है uncertain। उसके बाद price means मनी कंसिडरेशन, प्योर बार्टर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
प्योर मनी दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, थोड़ा पैसा थोड़ा गुड्स दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, टू पार्टीज होना चाहिए, बायर सेलर होना चाहिए, उसके बाद गुड्स प्राइस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ वी आर कमिंग टू टाइम एज एन एसेंस. टाइम एज एन एसेंस, टाइम इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट. बट कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो लॉ कुछ बोल रहा है. सब मतलब क्या, देखो टाइम दो चीज करता है, जब भी गुड्स कब पहुंचेगा, डिलीवरी, और बेसिकली पेमेंट कब आएगा, गुड्स कब पहुंचेगा एंड पेमेंट कब आएगा. इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज में क्या अंडरस्टैंडिंग है, टाइम डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट. बस यार देखो, मैंने बोला कि मुझे डिलीवरी 5 बजे चाहिए, मुझे नहीं मालूम 5 बजे माल नहीं आया तो खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कैंसिल. तो मैंने बोला टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इज इम्पॉर्टेंट. मैंने क्लाइंट को बोला मुझे पेमेंट आज की आज चाहिए, क्लाइंट का पेमेंट नहीं आया तो मैं तुम्हारा ऑडिट ही नहीं करूँगा. तो मैंने बोला टाइम ऑफ पेमेंट इज इम्पॉर्टेंट, समझे. तो पार्टीज के अंडरस्टैंडिंग पर है. बट अगर पार्टी साइलेंट है तो लॉ को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, लॉ को एक रास्ता देना पड़ेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट कि बायर सेलर आपस में क्या डिसाइड करते हैं कि टाइम का महत्व एसेंस कितना है, ठीक है ना बात. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, देन व्हाट, देन यहां पर आपने समझना कि उस केस में दो बातें, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी एंड टाइमिंग ऑफ पेमेंट, दो कहानी चल रही है. आप पैरेलली लिखते जाओ तो बहुत बढ़िया, मेरा थोड़ा स्पीड रहेगा कि रिविजन है, बट आप थोड़ा कर करके देख सकते हो, ठीक है ना. टाइमिंग ऑफ डिलीवरी एंड टाइमिंग ऑफ पेमेंट. सर टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, सॉरी एक सेकंड बेटा, डिस्कार्ड. यस देखो हम पढ़ रहे हैं टाइम, टाइमिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना एसेंस है, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट. तो टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, देखो यार अगर रॉ मटेरियल जो है वो अगर रिलायंस इंडस्ट्री के फैक्ट्री में जहां पर 10,000 लेबर काम कर रहे हैं वहां पर 1 महीना लेट आए, 1 महीना 20 दिन लेट आए, अरे 20 दिन की सैलरी 10,000 एम्प्लॉयज की वेस्ट हो जाएगी, प्लस आगे जो माल देना है वो पूरा रुक जाएगा. समझ में आया मेरी बात. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक तरीके से डिलीवरी टाइम पे होना बहुत जरूरी है. सोचो आपका बर्थडे पार्टी है या आपकी शादी एग्जाम्पल है, और शादी के दिन केटरिंग वाला नहीं आया, वो अगले दिन आया, बस 1 दिन लेट आए, मेहमान आए 1,000 लोग आए, पानी पिए और चले गए, बोले सर सॉरी 1 ही दिन में लेट हो, टाइम पर केटरिंग वाला आना जरूरी है या नहीं है. यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं ये बोलूंगा एक तरीके से टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लिख रहे थे टाइम ऑफ डिलीवरी आएगा टाइम ऑफ पेमेंट, डिलीवरी इज एसेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट कभी कभी आगे पीछे हो जाए. अरे यार पेमेंट आगे पीछे हो जाए तो इतना नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं, लेमैन के लिए पैसा नहीं पैसा टाइम पे आ रहा है. अरे बड़े बड़े बिजनेसेस में छोटी मोटी बात होती है, एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, करोड़ों की डील में पेमेंट देने में आगे पीछे गलती हो सकती है, इट्स अ बिजनेस. करेक्ट बात, आप बिजनेस के एंगल से देखो, आप ये मत देखो नहीं सर ऐसे कैसे पेमेंट कैसे लेट आया, अरे आपकी जान थोड़ी ना अटक रही है, समझो मेरी बात. बट गुड्स रुक गया तो बहुत चीज रुक सकती है, तो टाइमिंग ऑफ पेमेंट इज नॉट एसेंस, टाइमिंग ऑफ पेमेंट इज नॉट एसेंस, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इज एसेंस, मतलब इंपॉर्टेंट. टाइम पर माल, सोचो यार कोई आईसीयू में भर्ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑर्डर किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर 1 घंटे में पहुंचना चाहिए था, बस 2 घंटा लेट हो, बस अरे तब तक तो वो कहां से कहां पहुंच जाए, समझो मेरी बात, ठीक है ना बात.
आप बोले नहीं सर, हमारे यहाँ तो अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे या ये। अरे रिटेल कस्टमर्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, रिटेल छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, बट बड़े बड़े बिजनेस में हम एक दो दिन आगे पीछे पेमेंट हो सकता है, बट माल पहुंचना टाइम पर बहुत जरूरी है, तो एसेंस है। और अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं आया तो बायर कैन कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, बायर कैन कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, बट टाइम पे पेमेंट नहीं आया तो सेलर कैन नॉट कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट आगे पीछे हो गया, ठीक है यार, अब ये सब्जेक्ट टू बायर सेलर अंडरस्टैंडिंग। अगर सेलर बोलता नहीं पेमेंट एसेंस है, पेमेंट टाइम पे आना तो आना, तो आना पड़ेगा, तो फिर एसेंस है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ये लॉ बोल रहा है कि टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इज एसेंस, टाइमिंग ऑफ पेमेंट इज नॉट एसेंस। डिलीवरी टाइम पे नहीं आया बायर को हक है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, बट पेमेंट टाइम पे नहीं आया सेलर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। ये क्लियर कट। अब आते हैं हम प्राइस डिटर्मिनेशंस। मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे आप लोगों को जितना हो सकता है कम टाइम में, कम आज 30 मिनट्स वगैरह में, 35 मिनट्स में आपको जितना मैं बोल सकता हूँ इतना अच्छा, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। ऐसे तो चार टेक्निक है बट मैं आपको मेजरली तीन बताऊंगा, ठीक है ना। बात पहले तो प्राइस डिटरमाइन कौन करता है, खुद पार्टीज के भाई देख डील कर। एग्जाम्पल है, मैं गया, मैंने एक फर्नीचर देखा, मैंने वहां पे एक सोफा देखा, मैंने बोला सोफा कितना, बोला 1 लाख रुपए, मैंने बोला नहीं मैं 60 हजार दूंगा, बोले नहीं सर इतना नहीं होगा, बोले 90 हजार लास्ट। मैं बोला देख 85,000 के अंदर ट्रांसपोर्ट भी कर और 85,000 में मुझे 1 साल सोफा का सर्विस भी दे, बोला सी ठीक है सर डील डन। मैं बोला डन, एडवांस लिया। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने ही मिलकर प्राइस को क्या किया, डिटरमाइन किया। तो प्राइस जो है ये डिटरमाइन कौन कर रहा है, इट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स है। अब उसके बाद और एक जो है कोर्स ऑफ डीलिंग लिखा है आपके बुक में, कोर्स ऑफ डीलिंग्स। ये कोर्स ऑफ डीलिंग्स जो होता है ना, जहां पर बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब दिन में 10 बार तो माल आ जाता है। अब 10 बार थोड़ी ना बैठकर प्राइस का डिटर्मिनेशन, लाइक एग्जांपल है कि एक होलसेलर है, होलसेलर है अभी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है बहुत, सॉफ्ट ड्रिंक का माल दिन में 10 बार आ जाता है, 100 बॉक्स आया बिका, 50 बॉक्स आया बिका, 100 बॉक्स आया बिका। आप सपोज एक बार रेट ठहरा लिया सेलर बायर ने कि भाई तुम मुझे सॉफ्ट ड्रिंक 600 रुपये बॉक्स दे दे, बोले ठीक है डन। अब वो 100 बॉक्स रख के चला गया, शाम को आया सर और माल चाहिए, हाँ बोले 50 बॉक्स रख दे, वो 50 बॉक्स रख के चला गया, शाम को पैसे लेने आ गया। अगले दिन आया बोले सर और कितना बॉक्स दो, बोले 50। थोड़ी ना बार बार प्राइस की बात करेंगे, एक बार ठहर गया मतलब उस हिसाब से 600 रुपये डन हो गया। अरे जैसे अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, पिछले साल मेरी ऑडिट फीस कोई क्लाइंट की 80 हजार है, अब वापस बोलेंगे मयूर अगर आपको ऑडिट करना है, मतलब ओके डन। इसका मतलब यह है कि पिछले साल की फीस देखते हुए इस साल की भी फीस लूंगा मैं। हाँ अगर मुझे चेंज करना है, मतलब सर देखो मैं ऑडिट करूंगा बट इस साल की फीस 90 हजार, तो मैं बात करूंगा, बट चेंज नहीं करना है तो बात ही नहीं होगी। अरे थर्ड एग्जाम्पल, चाय वाले के पास हम जब क्लास लेते हैं तो चाय वाला उधर सपोज बोलता है सर मैं पहली बार पूछा हूँ सर चाय कितनी की, 10 रुपये, 10 रुपये दे दे। अगली बार गया चाय पीऊंगा, डायरेक्ट 10 रुपये निकाला, अब वापस गया चाय 10। बार बार फिक्स नहीं करेंगे, पिछले कोर्स ऑफ डीलिंग्स को देखते हुए, पास्ट ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए करंट प्राइस डिटरमाइन करेंगे, पिछले ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए करंट प्राइस डिटरमाइन करेंगे। जहां पर फ्रीक्वेंट डीलिंग्स होती है, जहां पर क्या होता है फ्रीक्वेंट मतलब उसका बार बार डीलिंग्स होती है, तो बार बार प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, पिछले ट्रांजैक्शन को देखते हुए हम प्राइस फिक्स करेंगे, समझो। कोर्स ऑफ डीलिंग्स मतलब पास्ट ट्रांजैक्शन, पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड फिक्स इन एग्रीड मैनर एंड फिक्स बाय थर्ड पार्टी।
अरे मतलब थर्ड पार्टी भी प्राइस फिक्स कर सकता है, समझो। देखो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस पहले फिक्स है, बायर सेलर ने ठहरा लिया। दूसरा होता है, मैंने आपको बोला कोर्स ऑफ डीलिंग, पिछले व्यवहार को देखते हुए। जैसे अभी अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक हमारा भी जैसे समर सीजन है तो पानी बहुत बिकता है, होलसेलर्स है तो पानी बहुत बिकता है, तो पानी वाला क्या करता है, उसके उसका जो ट्रैवलर्स है वो बहुत छोटा है, उसमें 50 बॉक्स ही आता है। तो अभी आया बोले भैया आपको कितने बॉक्स देने हैं, बोला 30 बॉक्सेस दे दो। बोला सर, मैं बोला रेट कितना, बोले 80 रुपीज बॉक्स लगाओ। बोला ठीक है 30 बॉक्स रख के चला जा। और मैं बोला जब जब 30 30 बॉक्स का स्टॉक रहना चाहिए, जैसे कम हुआ डाल के जाना। फिर और 2 घंटे में आया, बॉक्स बिका, फुल गोडाउन देखा, बोला 30 में से अब और 20 बॉक्स बिक गया, वो बॉक्स 20 बॉक्स रख के चला गया। शाम को आया और 15 बॉक्स रख के चला गया। ये बिजनेस है, माल आता रहता है बिकता रहता है, आता रहता है बिकता रहता है। शाम को आता है हिसाब करता है, सर ये मैंने टोटल दिन में 60 बॉक्स डाले, तब ऐसा था। अगले दिन आया, बॉक्स रखा, चला गया। अरे बार बार प्राइस की बात नहीं कर रहे, इधर बिजनेस होना बस, माल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्योंकि रेट हमने ठहरा लिया था पिछले ट्रांजेक्शन में। अब वो ही देखते हुए हम अभी फिक्स कर रहे हैं एग्रीड मैनर, मतलब वहां लिखा है मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस 15% प्रॉफिट, जो भी मटेरियल लगेगा जो लेबर रहे उसका 15% तुम्हें दिया जाएगा। सर एग्जाम्पल, घर का फर्नीचर बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है तो आपने एक इंटीरियर अपॉइंट किया, तो इंटीरियर बोलता है देखो सर मैं आपका डिजाइनिंग करूंगा, मैं आपका पूरा घर बना के दूंगा, ठीक है ना। मतलब फिर कितना पैसा लेगा, लमसम। मतलब देखो वो, अब वो बोलता है देखो सर अब जो भी आप पसंद करोगे, अभी कोई फर्नीचर या कोई डिजाइन है, कोई 10,000 का भी आता है, 5,000, आप जो भी करोगे मटेरियल कॉस्ट मैं लूंगा, जितना खर्चा मार्केट में माल लाने के, लेबर मजदूरी जो लेबर है प्लस 15% ऊपर मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, समझो मेरी बात। तो मैंने इंटीरियर वाले बोला ठीक है डन, डील डन है। अब इंटीरियर वाले ने 10 लाख का मटेरियल लाया, 5 लाख की मजूरी, लेबर प्लम्बर ये इलेक्ट्रिशियन, और 15% ऐड किया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ठीक है, 17 लाख रुपए मुझसे ले लिए फर्नीचर बनाने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एग्रीड मैनर, हाउ टू कैलकुलेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है स्टेप बाय स्टेप, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंड थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा प्राइस। थर्ड पार्टी कैसे, समझा मेरी बात। सपोज एग्जाम्पल है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सी बताएगा कि कितने में डील होना चाहिए। एग्जाम्पल गवर्नमेंट, पेट्रोल आप खरीद रहे हो, पेट्रोल पंप वाला बेच रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कितने में बेचना है, 60 रुपीज लीटर, 70 रुपीज लीटर, 80 रुपीज लीटर, गवर्नमेंट बताएगा। कैन अ थर्ड पार्टी डिटरमाइन प्राइस? यस। अब जैसे एग्जाम्पल है, मेरा क्लाइंट ए है, उसकी कंपनी के शेयर्स है प्राइवेट लिमिटेड, एवीसी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स की प्राइस स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ए ने अपने शेयर्स बी को बेचना है, तो ए और बी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आते हैं, प्लीज वैल्यू द शेयर प्राइस, तुम वैल्यूएशन करके दो, तुम जो वैल्यू बोलेंगे उतने में हम डील क्रैक करेंगे। तो ए और बी ने मयूर अग्रवाल को अपॉइंट किया टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द शेयर, समझ आया मेरी बात। तो यहां पर समझना कि यहां पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है शेयर्स बेचने का, बट शेयर की प्राइस मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ थर्ड पार्टी। अब रिलायंस को अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी है अगर, तो अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का प्राइस कैसे निकाले, तो कोई तो वैल्यूअर अपॉइंट करेंगे, और वैल्यूअर जो प्राइस बोलेगा इतने में डील करेंगे, थर्ड पार्टी कैन डिसाइड द प्राइस। तो इन शॉर्ट प्राइस डिटरमाइन करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका कॉमन है, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है एग्रीड मैनर, हाउ टू कैलकुलेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है। तीसरा है थर्ड पार्टी जो बोलेगा वो प्राइस पे डील होगा, और चौथा है कोर्स ऑफ डीलिंग, पिछले व्यवहार को देखते हुए, पिछले ट्रांजैक्शंस को देखते हुए प्राइस को डिटरमाइन करें। बट अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और सी जो है ये वैल्यूएशन करेगा, सी को अपॉइंट किया जो प्राइस देगा, सी ने वैल्यूएशन ही नहीं किया, सी भाग गया, तो अब ए और बी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड वॉइड हो जाएगा। सब वो एग्जाम्पल है, जो मेरा क्लाइंट था ए एंड बी, उनके बीच में शेयर्स की वैल्यू मुझे देनी है, उसके बेसिस पर ए और बी डील करेंगे, मैंने वैल्यूएशन किया नहीं, मैंने बोला नहीं करूंगा, जरूर करना है करो,
तो अब ए और बी के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो क्या थी कि मयूर अग्रवाल प्राइस देगा, वो प्राइस पे डील करेंगे, बट मयूर अग्रवाल वैल्यूएशन ही नहीं कर रहा है, तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, उनको फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर फिर जो प्राइस डिटरमाइन करना है कर सकते हैं, बट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कैंसिल। सर क्यों ऐसा? अरे प्राइस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, हमने देखा था ऊपर, प्राइस एक वन ऑफ द एलिमेंट है, एलिमेंट आपने देखा था ना, बोल दो एलिमेंट क्या क्या था, टू पार्टीज, गुड्स, प्राइस, देन ओनरशिप, अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस ही आपने नहीं दिया तो वन ऑफ द एलिमेंट इज मिसिंग, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो गया। सर अगर ए और बी के बीच में डील हो रही है, प्रॉपर्टी डील हो रही है, इन्होंने एक एडवोकेट अपॉइंट किया सी जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालेगा, मार्केट वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू जो है, जो भी ये सी निकालेगा, अब बट अब ए को लगता है कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचना, तो ए ने सी को रोका, धमकी दी, देख भाई वैल्यूएशन मत निकाल, एक काम कर ज्यादा निकाल कम निकाल, सी डर गया, सी बोलता है वैल्यूएशन ही नहीं करूंगा, उस चक्कर में ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ, बट अब बी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट ए एंड रिकवर डैमेजेस, बी कैन फाइल केस अगेंस्ट ए एंड रिकवर डैमेज, क्यों? क्योंकि ए ने रोका, उसके वजह से, उसके वजह से, उसके वजह से यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वॉइड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वॉइड हुआ, रिपीट कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, ए एंड बी, वैल्यूएशन कौन करेगा, सी, ए ने सी को धमकी दी ज्यादा वैल्यूएशन करने, उस चक्कर में सी ने वैल्यूएशन नहीं किया, तो अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, क्यों वॉइड, प्राइसेस में से, बट गलती किसकी, ए, कैन बी क्लेम डैमेज, यस, समझे मेरी बात, सब वो एग्जाम्पल है, ए और बी डायमंड्स बेच रहे हैं, ए बी को डायमंड बेच रहा है, अब यहाँ पर 100 डायमंड्स है अलग अलग उसका, तो अब यहाँ पर वैल्यूअर को अपॉइंट किया कि 100 डायमंड की कीमत बता, उस हिसाब से बी पैसा देगा, अब 10 डायमंड बी ने ले लिया कि भाई मुझे 10 डायमंड, तो बाकी 90 डायमंड बाद में लेके आता हूँ, मुझे आज देना है, 10 डायमंड बी ने ले लिया, अब सी ने वैल्यूएशन नहीं किया, सी ने वैल्यूएशन नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, ए और बी के बीच में डायमंड्स का डील हो रहा है, डायमंड्स का डील हो रहा है, सी को अपॉइंट किया कि डायमंड की वैल्यूएशन कर, उस दौरान 100 डायमंड में से 10 डायमंड बी लेकर गया कि बाकी हम डील कर रहे हैं, एडवांस तो दिया था उसने, एक 10 लाख रुपए दे दिया होगा कि भाई 10 लाख अपना, 100 डायमंड का डील है, 10 डायमंड बी लेकर गया, बोले वैल्यूएशन होंगे, सी ने वैल्यूएशन ही नहीं किया, अब क्या होगा, लॉ बोलता है 10 डायमंड जो बी ने रखा है उसका रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, और 90 डायमंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, 90 डायमंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना बात। तो ये आपका बहुत सारा टॉपिक हमने खत्म किया, सबसे पहले हमने देखा गुड्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ गुड्स, प्राइस क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और टाइम इज एन एसेंस और नॉट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 6 चीज खत्म की, गुड्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ गुड्स, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस के बाद प्राइस क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एंड द लास्ट हमने जो देखा दैट इज बेसिकली द होल स्ट्रक्चर, ठीक है ना बात। तो विल कम विथ अनदर सेशन सून, ट्राई करेंगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।